बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर दीर लाइंस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन सेमीफाइनल मैच से पहले ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तानी टीम में सेमीफाइनल के लिए दो तब्दीलियाँ की जाएगी और वो ये कि हसन अली और फखर जमान को ड्राप कर दिया जाएगा। इस हवाले से कप्तान बाबर आजम ने लाइव आकर क्या कहा, आइए इस पर बात करते हैं। बाबर आजम ने हसन अली के हवाले से कहा कि एज अ कैप्टन मैं ये सोच नहीं सकता कि मैं हसन अली को बाहर बिठाऊं, क्योंकि वो मेरा मेन बॉलर है और इसने काफ़ी मैच जितवाए हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मज़ीद कहा कि हसन अली बड़े मैचों का प्लेयर है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा सेमीफाइनल में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। कप्तान बाबर आजम ने फखर जमान के हवाले से कहा कि 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, बल्कि अगर मैच में दो बैट्समैन और एक और बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करे तो ये काफ़ी होता है, ये एज अ टीम एफर्ट होती है, हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, किसी का दिन होता है। मजीद कहा कि ऑन द डे अगर इसका दिन हो तो फखर जमान पूरा गेम चेंज कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, और उम्मीद जाहिर की कि सेमीफाइनल में वो अच्छे खेल का मुजाहिरा करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। आप जहाँ भी है, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।